तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के विलन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इस बात की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है कि भैया इस बार बॉलीवुड के विलन किस मिशन पर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों कौन सी है ये फिल्म और कैसा है इस फिल्म का पोस्टर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के विलन यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि मिशन मजनू से। तो दोस्तों वाकई में मिशन मजनू का पोस्टर इतना दमदार है कि भैया इसको देखने के बाद क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इस फिल्म को लेकर कि भैया इस फिल्म की कहानी कैसी होगी, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह बात बताई गई है कि भैया फिल्म की कहानी 1970 के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी और यह कहानी एक रियल इवेंट के ऊपर आधारित है। यानी कि भैया इस पोस्टर में जो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है वो एक रियल इवेंट का हिस्सा है। यानी कि भैया इस पोस्टर में आप देख सकते हो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ही डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं, उन्होंने बेल बूट पहन रखा है, एक जैकेट पहना हुआ है और भैया उनके हाथ में एक सिक्सर है, यानी कि भैया पिस्टल नहीं बोलूंगा सिक्सर है और वो जिसे लेते हुए वो कहीं जाते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी मिशन पर निकले हैं और भाई फिल्म का नाम भी तो मिशन मजनू ही है। तो भैया क्या ये मजनू अपनी लैला के मिशन पर निकले हैं, क्योंकि भैया इस बार उनके साथ जो अदाकारा नजर आने वाली है वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है, यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है साउथ की जानी मानी अदाकारा रश्मिका मंदाना। यानी कि रश्मिका मंदाना इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी और इस फिल्म को शांतनु बागची यानी कि भैया शांतनु बागची के डायरेक्शन में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली इस फिल्म का पोस्टर और आपको क्या लगता है जब यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो धमाल मचाएगी कि नहीं, क्योंकि भैया फिल्म का पोस्टर वाकई में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भैया इस पोस्टर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यह फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है और भाई सबसे मजे की बात तो यह होगी कि जब यह फिल्म हम लोगों के सामने आएगी तो भैया डायरेक्टर किस तरीके से 1970 को एक बार फिर से दोहराएंगे सिनेमा घर में, यह देखने में मजा आएगा। यानी कि ऐसी फिल्मों में एक बात तो हम जरूर देखने जाते हैं कि भैया डिटेलिंग किस तरीके से रखी गई है ऑडियंस के सामने, क्योंकि भैया ये प्रेजेंट टाइम की फिल्म नहीं है 1970 की है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।